हिसार रोड पर बस अड्डा के निकट ऑटो चालकों ने सोमवार दोपहर बाद प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। ये रिक्शा चालकों को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है। छोटे बच्चे भी ये रिक्शा चला रहे हैं। वे सरकार को न तो टैक्स देते हैं, न ही उन्हें पेट्रोल डीजल का भुगतान करना पड़ता है। सवारी के पैसे भी उनके बराबर लेते हैं। ऐसे में उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। अनट्रेंड चालकों द्वारा ये रिक्शा चलाने में बस स्टैंड के निकट रोड जाम की स्थिति बन जाती है। दिक्कत ऐसी आ रही है, जो ई रिक्शे वाले हैं ना, ये रोड के बीच में लगाते हैं, इससे जाम लगता है, इससे हमें ही परेशानी होती है जी। तो इनका कौन कोई कार्रवाई हुई जी? कागज कार्रवाई इनके पास कोई भी कागज प्रूफ कोई भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, बीमा आरसी सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जाम लगाए रखते हैं ये। इनका कौन कोई वो कराओ जी, निर्णय कराओ। इससे ये होती है जी, जैसे दो सवारी आ गई, इनको उठा लेते हैं, एक सवारी होगी 10 जने ब्रेक मार लेंगे। ये हमारा ऑटो स्टैंड है, ठीक है, ये जाम लगाते हैं, परेशानी हमें होती है। सच्चो साहब हमें आके कहते हैं यहाँ से गाड़ियाँ लिगाड़ो, जो ई रिक्शा वाले ये जाम लगाते हैं अभी जी। हाँ, बच्चे चलाते हैं, 10 साल के 12 साल के 15 साल के बच्चे चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है अभी कैसे चलानी है, कैसे मोड़ कटना है। जी करे हमारे रोड के बीच में ब्रेक मार लेते हैं ये, इसका कारण जी निर्णय कराओ। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।